www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله أمر الله تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز بھائی اور دوستو عزیز आजकल एक बीमारी जो है उम्मत में आम हो गई है। मुझे इस बीमारी के सिलसिले में एक दो बातें अर्ज करना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुक्म अल्लाह ही का चलेगा, इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह ही का चलेगा, चाहे वो अंबिया हो, औलिया हो, सुलहा हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो या आम मोमिनी, हुक्म अल्लाह ही का चलेगा। वही हमारा माबूद है, हम उसके आबिद हैं, हम उसके बंदे हैं। और अब्दियत में तवाज़ु जरूरी है। जिस बंदे में तवाज़ु नहीं, वो मकाम अब्दियत में नहीं। हमारे औलिया किराम ने और बुजुर्गों ने जो कुछ पाया है वो तवाज़ु से पाया, अब्दियत से पाए। बाज़ बुजुर्गों के बाद में तो यहां तक लिखा है कि वो फरमाते हैं कि मैं हदीस की इत्तिबा में अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगता हूं, वरना मैं तो ये चाहता हूं कि अगर शुरू दरवाजे ही पर अल्लाह जगह दे दे तो भी गनीमत हो। मेरे अमान वो कहा है कि मैं अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगता, लेकिन चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत फिरदौस मांगने को कहा है, इसलिए सुन्नत की इत्तिबा में मैं मांग रहा हूं। यह तवाज़ु है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह वाले, लेकिन उनका हाल यह था कि वो रोते हुए जब नमाज पढ़ रहे थे और कुछ लोग आपको देख रहे थे तो हसन बसरी ने फरमाया, इनके देखने से हसन तू खुश न हो जाना, इसलिए कि तू जानता है कि तेरी जिंदगी कैसी। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के सिलसिले में लिखा है किताबों में कि रात भर इबादत करती थी और अखीर में कहती थी, ए अल्लाह तेरी शान के मुताबिक मैं तेरी तारीफ न कर सकी, बस तू तो तू ही। ये तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाओसी सनान अले अंत कमास रही ताला, अल्लाह मैं भी तेरी तारीफ नहीं कर सकता, तू तो तू ही। हम किस पर तारीफ करें? चलो अल्लाह की तारीफ सांस पर करेंगे, सारी जिंदगी सांस पर तारीफ करते रहो, पूरी नहीं होगी। अल्लाह की तारीफ रिस्क पर करेंगे, सारी जिंदगी रिस्क पर बोलते रहो, तारीफ अदा ही नहीं हो सकती। तो रब करीम, इसीलिए हदीस शरीफ ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल किब्रिया रिदाई, अल्लाह कहता है तकब्बुर मेरी चादर है, यानी तकब्बुर मुझे जेब देता है, तुम्हें नहीं। तुम्हारा हाल यह है कि तुम पर असरात होते हैं, ज़ईफी का, बीमारी का, बुढ़ापे का, तुम पर तो हालात होते हैं। तुम बच्चे थे, जवान हुए, जवान थे और जवान हुए, बुढ़ापा आ गया, दांत गिर गए, चेहरे पर नलकियां पड़ गई, तुम बीमारियों के अंदर है, किसी को कैंसर, किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को पाले, किसी को लकवा, किसी को क्या बीमारी, क्या बीमारी। जो इन सारे हालात में होता है वो तकब्बुर नहीं कर सकता। आपने नाम सुना होगा बहलूल, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, हारून रशीद का जमाना है, और हारून रशीद से उन्होंने एक सवाल किया। अजीब इत्तेफाक हुआ कि हारून रशीद का जो तख्त था पार्लियामेंट में,
जो उनका पार्लियामेंट होगा उसमें जो तख्त का बादशाह के बैठने का उस पर वो बैठ गए। हारून रशीद ने कहा कि ये तो मेरी जगह है, आप कैसे बैठ गए। तो उस पर बहलूल ने जवाब तो ये दिया, लवाले थे, फरमाया जरा सी देर बैठने पर तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो सारी जिंदगी अल्लाह की इस तख्त पर बैठा हुआ है, इंसाफ नहीं किया तो अल्लाह को क्या जवाब दे। फिर बहलूल ने कहा कि मैं एक तो सवाल करूं तुमसे। कहा जरूर। कागज तेरा पेशाब बंद हो जाए और डॉक्टर तुझको यूं कहे कि आधी हुकूमत लूंगा तब पेशाब कराऊंगा तो तू देगा? कहा मुझे तो मेरी जिंदगी महबूब है, दे दूंगा। कहा अच्छा, फिर तेरे गले में पानी उतरना बंद हो जाए। कितने लोग हैं आज पानी नहीं उतर रहा है, यहां से जिद लगाई, खाना नहीं जा रहा है, यहां से चला रहा है। बुरों की बात नहीं कर रहा हूं, जवानों की बात कर रहा हूं, मासूम बच्चों की बात कर रहा हूं। अस्पतालों में जाए तो सही है, ताकि कम से कम इस अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा हो हमसे। आप देखें मासूम बच्चों को ट्रिप लगी हुई है, यहां से डाल रहे हैं, यहां से उतारा जा रहा है। तो हकीकत यह है कि बहलूल ने बादशाह से पूछा, अगर तेरा पानी अटक जाए यहां पर गले में और कोई रास्ता नहीं पानी जाने का, वापस आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, और डॉक्टर कह रहा है कि आगे हुकूमत लूंगा, क्या करेगा तू? देगा? कहा बिल्कुल लूंगा, मुझे मेरी जान प्यारी है। तो फरमाया कि एक गिलास पानी पीने की आधी हुकूमत गई और पेशाब करने में आधी हुकूमत गई, इसका मतलब यह निकला कि तेरी हुकूमत की कीमत पानी का एक गिलास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस ये दुनिया की हकीकत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हियाउल उलूम में फरमाते हैं कि ये खिलौने हैं जो अल्लाह ने हमको दिए हैं, चाहे वो मकान हो, औलाद हो, बीवी हो, जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, ये खिलौने हैं, खेल रहे हैं हम इससे। फरमाया कभी तो अल्लाह खिलौने ले लेता है, टॉयज ले लेता है, जायदाद ले ली, बिजनेस चला गया, जॉब छोड़ गया, नहीं है, औलाद के इंतकाल हो गया, शौहर का बीवी का इंतकाल हो गया, कभी तो अल्लाह टॉयज ले लेता है और कभी अल्लाह तोईज रहने देता है, खेलने वाले ही को उठा लेता है कि चलो कब रस्ता। अब मकान भी रह गया, जायदाद भी रह गई, प्रॉपर्टी भी रह गई, बिजनेस भी रह गया, बीवी भी रह गए, बच्चे भी रह गए और कब्रस्तान पहुंच गए। तो तकब्बुर अल्लाह को जेब देता है, बंदे को नहीं। जो बंदा इतना मोहताज हो कि वो खाने में मोहताज, पीने में मोहताज, पेशाब में मोहताज, हर चीज में मोहताज, उस बंदे को तकब्बुर जेब नहीं देता। बराई और शान इसको जो है मुनासिब नहीं देखते। अल-किब्रिया और रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है। और अल्लाह फरमाते हैं जो मेरी चादर को खींचेगा, मेरी ब्लैंकेट को छीनने की कोशिश करेगा, यानी दुनिया में जो तकब्बुर करेगा, तो वो सुन ले कि फिर सिवाय इसके कि जहन्नम है मेरे पास कोई रास्ता। अपने आप को किब्र से, तकब्बुर से, बराई से बचाया जाए। हम अब्द है, अब्दियत तवाजु होना चाहिए। फिर तवाजु कैसी हो, मैं कुरान की एक दो आयत पेश करूं तो आपको पता चलेगा कि तवाजु कैसी हो। लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल सब, अल्लाह ताला ने एनिमल और जानवरों को हमारे ताबे बनाया। यहां तो खैर हम गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन किसी जमाने में यही तो जानवर थे जिससे हम काम लिया करते थे, ये हॉर्स, ये घोड़े, ये कैमल, ये ऊंट, इसी से हम काम लेते थे। तो कैमल इतना बड़ा जानवर है, इतना बड़ा एनिमल है कि वो एक मर्तबा अगर पांव मार दे तो हम गिर जाएंगे। लेकिन ताबेदारी और अब्दियत का आलम यह है
कि मालिक का छोटा सा बच्चा उसकी रस्सी पकड़ करके चल रहा है और कैमल उसकी नाफरमानी नहीं कर रहा, यह अब्दियत सिखा रहा है, हमें ताबेदारी सिखा रहा है। आप हॉर्स को ले लें, घोड़े को, किसी जमाने में इसके जरिए से सवारी चलाई जाती थी, लोग सवार होकर की जाती थी। अब रात खाना नहीं खिलाया उसको, लेकिन सुबह हॉर्स और घोड़ा कभी ये नहीं कहेगा कि तूने मुझको खाना नहीं दिया है, मैं नहीं आऊंगा। उस घोड़े को रात में बुखार है, बीमार है, लेकिन वो सुबह आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे मेडिकल लीव चाहिए, मैं बीमार हूं, मुझे छुट्टी चाहिए मेडिकल, नहीं। वो आप किताबें हैं, वो बीमारी के बावजूद चल पड़े। मैं और आप ठंडी में लिहाफ और रजाई ओढ़कर के सो जाते हैं, और वो ठंडी में रात भर खड़ा रहा, उसको नींद नहीं आई, लेकिन सुबह मालिक उसको लेकर के निकलता है, वो कभी नहीं कहता कि मैं सोया नहीं हूं, आज मैं नहीं आऊंगा। मैं आपकी यह बताना चाहता हूं, एक वो ताबेदारी देखिए। और हम अल्लाह के कैसे बंदे हैं, हम में कैसी उद्दीयत है, शरीयत के हर अमल में हम हिकमत चाहते हैं। इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या हिकमत है? मैं जो बीमारी आजकल की बताना चाह रहा हूं, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तलबा और स्टूडेंट जो है हर चीज में यूनिवर्सिटी जो है इस्लाम में हिकमत पूछ रहे हैं। नमाज में क्या हिकमत, रोजे में क्या हिकमत, जकात में क्या हिकमत, फला में क्या हिकमत, ये सजदे में क्या हिकमत, रुकों में क्या हिकमत, या अब्दियत नहीं। आबिद का काम ये नहीं है कि अपने बॉस पर, अपने मालिक पर, हमें कंपनी में जॉब कर रहे हैं और बॉस हमारा उस काम का हुक्म दे रहा है, हम कभी ये नहीं पूछ रहे हैं कि इस काम में क्या हिकमत है। तो दुनिया का बॉस हमारी तरह इंसान है, हम उसको तो नहीं पूछ रहे हैं, और सारी कायनात के उस मालिक को जिसने हमें अदम से वजूद दिया और जिंदा किया और पैदा किया और सांस दिए और खाने पीने के बेहतरीन लाइफ दी और अकल दी और शुऊर दिया, हम उस रब से उसके बताए हुए कानून में पूछ रहे हैं कि इसमें क्या हिकमत है। इसका मतलब हिकमत समझोगे तो मानोगे, और हिकमत नहीं समझोगे तो नहीं मानेंगे। ये बीमारी है, या दीयत के खिलाफ है, या अल्लाह ताला की ताबेदारी के खिलाफ, ये वफादारी के खिलाफ। हमने जब कहा कबिल तो जमी आहकामी, ए अल्लाह हमने तेरे सारे आहकाम को कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरी तौहीद का मैं कायल हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस नबी की रिसालत को मानकर उसकी सुन्नतों का मैं कायल हूं, जब उसने ये हमने ये इकरार कर लिया तो अब हिकमत समझ में आए या ना आए, बहरहाल अब्दियत का काम यह होता है कि मान लो उसको। www.tabligh.com The Reviver of Iman। वो हॉर्स, वो घोड़ा, वो ऊंट, वो कैमल, वो हमारे ताबे हैं, हालांकि हमने उसको पैदा नहीं किया, वो तो असल अल्लाह की मखलूक है। टेम्पररी तौर पर अल्लाह ताला ने उसको मेरे ताबे बनाया, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी इतनी इताअत कर रहे हैं। और हम अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि जब तक हिकमत नहीं समझ में आती हम वहां तक उस पर अमल नहीं कर रहे। वाई, बस जिस बच्चे को देखो वाई, शरीयत के हुक्म में वाई, ये वाई का लफ्ज जो है वो हमें शैतानी लफ्ज है जो शरीयत से दूर कर रहा है। नतीजा ये होगा कि हमारा जहन जो है वो शक की जहन बन जाएगा शरीयत के बाद, हर चीज में हमें शक पैदा होने लगेगी, यहां तक कि नतीजा ये होगा कि आखिर में ये भी शक हो जाएगा कि अल्लाह मौजूद है या नहीं। और आज यही हो रहा है, हमारे बच्चों की जहनीयत को अगर आप तोले, ये मेरे गोद में मेरा बच्चा पैदा हुआ है लेकिन जहन के एतबार से किसी और के गोद में जा चुका है, ये किसी और के हवाले हो चुका है। हमें ये इस तरह के मर्ज और इस तरह की बीमारी से अपनी औलाद की इंतहाई दर्जा हिफाजत की जरूरत है, ताकि हमारी औलादों का ईमान महफूज रहे। खूब सुन लो मेरे भाइयों, अमान की कमी को अल्लाह माफ करेगा लेकिन ईमान की कमी माफ नहीं। अमान की कमी सारी अल्लाह माफ कर देगा। नमाज के बाद में वो कह रहा है नहीं पड़ी है,
मैं चाहूंगा सजा दूंगा, चाहूंगा माफ करूंगा। वो रोजे और ज़कात और हज के बाद में कह रहा है, मैं चाहूंगा माफ करूंगा, चाहूंगा सजा दूंगा, माफ भी कर दूंगा, नहीं पूछूंगा। लेकिन अगर बगैर ईमान के तुम आए हो और ईमान नहीं है, तो फिर पूरा कुरान और सारी अहादीस भरी पड़ी है, इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करता, वो कुफ्र को कभी माफ नहीं करता। इसलिए कि दुनिया की मिसाल है कि मैं अपनी बीवी को या हम सब अपनी बीवी को यूं कहते हैं, मैं तेरे सारे नखरे बर्दाश्त कर लूंगा, मैं तेरे सारे तकाजे पूरे करूंगा, मैं तेरी सारी बातों को बर्दाश्त कर लूंगा, तेरी गाली को भी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तेरे अंदर मेरे पार्टनर को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। जब एक औरत के बाद में मर्द पार्टनर को पसंद नहीं करता है, तो रब करीम पार्टनर को कैसे पसंद करे, वो शिर्क को कैसे पसंद करे। एक मोटा सा एग्जाम्पल है ये कुरान करीम में, अल्लाह ताला जगह जगह मिसाल देता है। अल्लाह ताला कहता है कि एक नौकर हो, एक काम करने वाला हो, वो दो जगह काम करता है तो तुम्हें पसंद नहीं है, वो दो आदमी उसके आका है वो तुम्हें पसंद नहीं, तो एक गुलाम के दो आका को पसंद नहीं करते, तो तुम रब के बाप में दो रब कैसे पसंद करते। अल्लाह एक ही है, इसलिए सबसे बड़ी चीज जो हिफाजत की है इस जमाने में वो ईमान की, और इसी ईमान की मेहनत की जरूरत है हमें। अगर ईमान है तो अमाल बचेंगे, ईमान ही नहीं है तो अमाल कैसे बचेंगे। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब यमन भेजा तो फरमाया, मुआज़ तुम यमन जा रहे हो, तुम्हारे पास वहां के अहले किताब आएंगे जिनका ताल्लुक ईसाइयत से का, वो लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको दावत देना ईमान की। सबसे पहले अगर ईमान की दावत है, अगर वो कबूल कर ले, तब उनको नमाज बता, तब उनको रोजा बता, तब उनको ज़कात बता। पहली दावत ईमान की, और ईमान वो चीज है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मन असअदुन नास बि शफाअती का यौमल क़ियामा या रसूल अल्लाह, आपकी शफात का कौन कयामत के दिन मुस्तहिक होगा अल्लाह के हबीब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, असअदुन नास बि शफाअती यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन बिहा क़ल्बहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, मेरी शफात उसी को नसीब होगी जो इखलास के साथ ईमान लेकर आया हो। नबी की शफात भी इखलास के बगैर नहीं मिलेगी। अल्लाह की रहमत तो बहुत दूर की बात, नबी की शफात भी इखलास के बगैर, तो ईमान शर्त है। इसी ईमान पर नबी की शफात है, इसी ईमान पर अल्लाह की रहमत है, इसी ईमान पर नबी के हाथों का हौदे कौसर है, इसी ईमान पर जन्नत का दाखिला है। और आज हमारे बच्चे जो हैं इसी ईमान को खो रहे हैं, मेरे घर में है, मैं पाल रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मेरी गोद में बैठा हुआ है, और ज़हनियत ईसाइयत के लिए हुए, ज़हनियत वो लिए हुए जो नास्तिक की ज़हनियत है कि दुनिया में कोई अल्लाह नहीं। इसलिए हमें अपनी औलादों की तरबियत की बहुत जरूरत है। मदारिस अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, दावत और तबलीग अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, खानकाहें अपनी जगह मेहनत कर रही है, लेकिन पेरेंट्स की जब तक इसके ऊपर मेहनत नहीं होगी, हम अपने बच्चों के ईमान को नहीं बचा पाए। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की जाए। ये बीमारी है इस वक्त जो चल रही है कि हर मसले में वाई, हर बात में क्यों, ये जो क्यों का सवाल है, इसके जरिए से दिमाग में शकूक पैदा हो जाता है, शक पैदा हो जाता है, ईमान निकल जाता है। इसलिए मैंने यह आयत पढ़ी, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म उसी अल्लाह का चलेगा, हम आबिद हैं। अब्द का काम, बंदे का काम यह होता है कि बिला हिकमत के जाने हुए मानना, उसको कहते हैं अब्द, उसको कहते हैं बंदा। महमूद गजनवी अफगान के करीब गजना जगह है, जो लोग अफगान के हैं उनको मालूम होगा कि गजना कहां आया है, यह अफगान ही के करीब है, अफगान के इलाके में वही के थे महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। आपके
خادموں کے اندر ایک خادم کا نام تھا عیاض، یہ دیہاتی آدمی تھا عیاض، لیکن کچھ اخلاق اچھے تھے. تو میں مختصر سنا دوں ان کا واقعہ. محمود نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا. حاسدین ہر جگہ ہو گئے. اب محمود اس سے محبت بہت کرتا تھا تو دوسرے خادموں کو حسد ہو گیا. اور ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حسد کو آنکھ نہیں ہوتی لیکن کان بہت ہوتے ہیں. کہاں مل جائیں اس کے خلاف بات. حسد جو ہے نا، جس کو حسد ہوتا ہے وہ ہر وقت کان لگا کر پھرتا رہتا ہے کہ آپ کے خلاف بات کہاں سے مل جائے. حسد کو آنکھ نہیں ہوتی لیکن کان ہوتی. تو دوسرے خادموں کو حسد آیا کہ اسی سے محبت. تو ایک 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 جو ہے محمود غزنوی کے سامنے کہا کہ اس نے ایک الماری رکھی ہے، اس میں ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے، کسی کو چابی نہیں دیتا، دیکھنے نہیں دیتا، یہ شاید شاہی خزانہ اس میں چھپایا ہے. یہ ویسے ہی بادشاہ کو خلاف بنانے کے لیے. بادشاہ نے پوچھا محمود عیاض بات صحیح ہے؟ کہا جی. کسی کو دیکھنے نہیں دیتا؟ کہا نہیں. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا جو بھی ہے میری چیز ہے بادشاہ صاحب. کالا چابی دا. اب وہ جو الماری کھولی گئی تو اس میں کچھ نہیں نکلا، پرانے جوتے تھے، پرانی تہبند تھی اور پرانا کرتا. اسی کو لایا گیا. محمود نے کہا یہی ہے؟ کہا یہی ہے. تو کہا کیوں تو کسی کو چابی نہیں دیتا ہے؟ کہا یہ میرا ہے اپنا. کہا اس میں تو روزانہ کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ شکر ہے تیرا، یہی پرانا پہن کر کے آیا تھا، تو نے ایک بادشاہ کے وہاں مجھے مقام دیا، آج اچھا پہننا اور کھانا نصیب ہوا، تو شکر ہوتا رہے اسی لیے یاد کرتا ہوں. علامہ روبی نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا، کاش اے انسانوں تم اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتے رہو تاکہ اللہ شکر کی توفیق عطا ہو. یہی محمود نے ان دوسرے خادموں کے حسد کو توڑنے کے لیے ایک ایک ڈائمنڈ نکالا، بہت قیمتی ڈائمنڈ، اور سارے خادموں سے کہا اس کو توڑ دو. سارے خادموں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اتنا قیمتی ڈائمنڈ اس کو کیسے توڑیں گے. محمود عیاض سے کہا توڑ دے اس کو. توڑ دیا اس کو، اس میں اسٹیل پتھر جو بھی تھا مارا توڑ دو. تو محمود نے فرمایا کہ اتنا قیمتی ڈائمنڈ تو نے توڑ دیا. کہا بادشاہ سلامت، اس ڈائمنڈ کے بجائے آپ کا حکم بہت اونچا ہے، میں آپ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا تھا، یہ ٹوٹ جائے پتھر ہے لیکن آپ کا حکم میرے سر پر. علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کر کے بتایا، اپنی دنیا کو توڑ دو لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑ. دنیا تمہاری ٹوٹ جائے چھوٹ جائے لیکن رب کریم کے حکم کو نہ چھوڑو. ان الحکم الا للہ، حکم اسی اللہ ملے گا، اسی پر عمل کریں، اسی کو منائیں، اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے پیارے بن جائیں تاکہ دنیا سے جب جانے لگے سارے لوگ رو رہے ہو ہم ہنستے ہوئے چلے جائیں. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی، ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.